कोरोना काल में तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार की रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम संस्था भी लोगों के इलाज के साथ ही उन्हें भोजन और कच्चा राशन बांटने का काम कर रही है। बता दें कि सरकार की अनुमति के बाद संस्था द्वारा संचालित में रोजाना लगभग 300 लोगों का निःशुल्क इलाज शुरू किया गया है। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम द्वारा संचालित 200 बेड वाले अस्पताल में सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं अस्पताल के CMS डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि उनकी संस्था सरकार के सहयोग के लिए तैयार है। तो 440 जब बेड है तो प्राइवेट हॉस्पिटल को आइसोलेशन वार्ड का अभी तक जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन हमारा तैयारी जारी है। अगर आउटब्रेक होता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, जरूर हम भी यहाँ आइसोलेशन के लिए कुछ तैयारी करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हमको गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए। APP किट, हैंड सैनिटाइज़र, ये सब जो है उनको अगर वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे और गवर्नमेंट ये सोचता है कि आउटब्रेक हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती है तो वो अपने अस्पताल को सरकार को देने के लिए भी तैयार हैं। वहीं अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मिनी योहनान का कहना है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। एक समय में एक मरीज को ही डॉक्टर के पास भेजा जाता है और उससे पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाती है। फिर हम लोग इधर जो आप लोग देख रहे हैं सर्कल बनाया, सो सर्कल के बेस्ड ऑन द इशू हम लोग ने टोकन इशू किया। सो टोकन नंबर 1, नंबर 2 लाइक दैट हम लोग जो रजिस्ट्रेशन सेंटर में फर्स्ट पेशेंट जाएगा, जो पुराना भी जाएगा नया भी जाएगा। पुराना के लिए अलग काउंटर है, नया रजिस्ट्रेशन के लिए अलग काउंटर है। लाइक दैट अभी 200 to 300, 200 से 300 तक आ रहा है। अभी जो एंट्रेंस हो रहा है, एंट्रेंस का टाइम आप लोग अभी देख सकते हैं, उधर टेम्परेचर का स्क्रीनिंग है प्लस हैंड हाइजीन है। इधर हैंड हाइजीन का व्यवस्था हम लोग ये अल्कोहल बेस्ड हैंडटाइजर से, इवन पेशेंट है पेशेंट पार्टी भी, एक्चुअली हम लोग जितना जो नीडेड पेशेंट को बेस्ट पेशेंट पार्टी को अलाउ करेगा, क्योंकि हमारे पास इतना कैपेसिटी वेटिंग एरिया का सीटिंग अरेंजमेंट कम है। बता दें कि इसी तरह धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आते रहें तो निश्चित रूप से जल्द ही देश कोरोना की जंग जीतकर विश्व गुरु बनेगा। पंजाब केसरी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।